हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी खस्ता लेयर्ड पापड़ी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे बनाकर महीनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 कप मैदा ले रहे हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। 1 टीस्पून हम इसमें करायल डाल देंगे, इसके कलौंजी या मंगरायल भी कहते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मोइन देंगे, तो यहाँ पर हम ऑयल का मोइन दे रहे हैं। मोइन देने से बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारी बनती है। तो 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल मिक्स करेंगे जब तक ये बिल्कुल लड्डू जैसे ना बनने लगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक नॉर्मल डो बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही सख्त नहीं बनाना है और ना ही बहुत ही सॉफ्ट रहना चाहिए। सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए बहुत ही सेमी सॉफ्ट हमारा डो लगकर तैयार है। इसे 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा ऑयल या बटर लगा देंगे। तो जब तक में ये रेस्ट होगा तब तक हम इसका मार्जन बनाकर तैयार कर लेते हैं। मार्जन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून बटर लिया है। आप वनस्पति घी या फिर नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से फेंट लिया हमने। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैदा डाल रहे हैं। आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, चावल का आटा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैदा इजीली अवेलेबल होता है इसलिए हमने यहाँ पर मैदा लिया है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो बहुत ईजिली हमारा होममेड मार्जन बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही क्रीमी और फ्लफी टेक्स्चर का यह हो चुका है। 5 मिनट हो गए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से डो रेस्ट कर लिया है। अब हल्का सा नीट कर लेंगे हम इसे और सिलेंडर शेप का कर लेंगे। ये खस्ता लेयर्ड पापड़ी बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हम इसके पीसेस कर लेंगे और बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से रोटियाँ बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इन्हें बेलना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे रोल कर लेना है, एकदम पेड़े जैसे बना लेना है। छोटे या बड़े ये बिल्कुल आपके ऊपर है, जितने बड़े या छोटे लेयर आपको करने हो उस हिसाब से पेड़े बना लीजिए। अब एक पेड़ा लेके आटा डस्ट कर लेंगे और बहुत ही पतली सीट हमें बनानी है इसकी, क्योंकि हम इसे एक के ऊपर एक लेयर करना है। तो बहुत ही पतली, जितना हो सके उतना पतला आप इसे बेल लीजिए। ये देखिए काफ़ी पतला हमने इसे बेल लिया है और इसे अब हम एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से सारे सीट बेल लेंगे। ये देखिए एक और हम आपको बेलकर बता रहे हैं। बिल्कुल पतली सीट बनाकर रखना है, एक प्लेट में रखती जाइए। और मैं यहाँ पर 4 लेयर कर रही हूँ तो 4 आप पेड़े काट लीजिए और इसी तरह से लेयर बनाइए। ये देखिए ये भी लेयर तैयार है। इसी तरह से हम 2 की और बना लेंगे। ये देखिए हमने 4 सीट बनाकर तैयार कर ली हैं। आप 4 से 5, 6 जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं। तो हमने एक सीट ले ली है, इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारा मार्जन। मार्जन बहुत ही अच्छी तरह से लगाएं जिससे कि लेयर एकदम खुलकर निकले। तो ये देखिए इस तरह से मार्जन बहुत ही अच्छी तरह से हमें स्प्रेड कर देना। यहाँ पर हम स्पून से कर रहे हैं, आप हाथों से भी लगा सकते हैं। तो अच्छी तरह से सभी तरफ आप लगा दें। अब इसके ऊपर हल्का सा आटा डस्ट करेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन इससे बहुत ही फाइन रिजल्ट आएगा। तो बस आप इस तरह से हल्का सा आटा डस्ट कर लीजिए और इसके ऊपर हम दूसरी वाली लेयर करेंगे सीट की। ये देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पर 4 सीट की लेयर कर रही हूँ, फिर से आप 4 या 5 जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। 4 सीट में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ये देखिए इस तरह से हम सभी सीट में इसी तरह से मार्जन लगाते जाएंगे, एक के ऊपर एक सीट रखते जाएंगे इसी तरह से। तो हमने हमारी तीसरी लेयर भी लगा ली है, इसी तरह से मार्जिन लगाकर 4थी सीट भी लगा लेंगे। तो अब हम आखिरी लेयर भी इसमें लगा लेते हैं। आटा डस्ट ज़रूर करें, इससे बहुत ही अच्छी लेयर निकलती हैं। तो ये देखिए हमने 4थी लेयर भी इसमें लगा देना है इस तरह से। इसके ऊपर भी हम बटर लगाएंगे, तो इसके ऊपर भी हम मार्जिन लगा देते हैं। हल्का सा आटा डस्ट कर लेंगे। अब इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से टाइटली रोल करेंगे। अब इसे बेलेंगे नहीं हम, बस हल्के हाथों से इस तरह से इसे रोल करेंगे टाइटली। बहुत ही लूज़ नहीं होना चाहिए, इस तरह से रोल कर ले। बहुत ही अच्छी तरीके से रोल करना हमें।
अब हल्के हाथों से हम इसे बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसे एक चाकू से कट कर लेंगे। जितने बड़े या छोटे आपको पीसेस चाहिए उस हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए बहुत ही इजीली। ये देखिए तो हमारी मटरी के बहुत ही खस्ता लेयर पापड़ी के ये देखिए पेड़े तैयार हैं। अब इसे हल्के हाथों से हम चपटा करते जाएंगे और एक रोलिंग पैन से बिल्कुल हल्के हाथों से एक बार रोल कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से। आप चाहे तो इन्हें इसी तरह से भी रख सकते हैं। तो हम सभी को इसी तरह से चपटा कर लेंगे। ये देखिए आटा हमने फिर से हल्का सा डस्ट कर लिया है। बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से इसे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं करना है इसमें। तो एक तैयार है हमारी। इसी तरह से हम सारी खस्ता लेयर को हम रोल कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से। पानी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं लगाना है हमको। इसी तरह से हम सारी लेयर को बेल लेंगे। तो ये देखिए हमारी खस्ता पापड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो इन्हें फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। खस्ता मटरी को हम डाल देते हैं और जब ये एक तरफ से थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए तभी हम इन्हें पलटेंगे। ये देखिए एक मिनट में हल्का से ये क्रिस्प हो गए हैं। अब इन्हें टर्न कर लेते हैं। जल्दी जल्दी इन्हें ना पलटाएं नहीं तो इनके लेयर टूट जाएंगे, खुल जाएंगे। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट में बहुत ही अच्छी तरह से खस्ता पापड़ी तैयार हो गई हैं। इन्हें निकाल लेते हैं किसी भी टिश्यू पेपर पे। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी लेयर्ड वाई खस्ता पापड़ी। आप इन्हें अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इन्हें महीनों तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।